For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. तपती धूप, कड़कती बिजली और तेज बारिश में भी वो हार नहीं मानता। सुबह से लेकर शाम तक कितना थक जाता है, फिर भी आराम नहीं मांगता। रात को देर से सोता है और सुबह जल्द उठ जाता है, फिर भी वो नींद नहीं मांगता। असल उसे बस मेहनत का है, वो किसी से कोई और हुनर भी नहीं मांगता। वो रुक जाए तो थम ना जाओ आप, इसलिए वो किसान कभी छुट्टी नहीं मांगता। खर्ज में डूबा किसान देर रात तारों से करे बात, कैसे बीते ये साल बाढ़ से हुई फसल बर्बाद। सुबह तक बता कोई नया बहाना, लेनदारों को देना है जवाब, कैसे बताऊं उनको मैं हो गया बर्बाद। सरकार के सारे वादे रखता हूँ बस याद, नहीं होती कभी मदद, बस होती है हर बार वही बात। अब तू ही बता कोई बात, नहीं तो लगा लूँ सुबह तक फांसी, लेनदारों से तू ही करना बात। आ वो आ रहा भाई, सांग भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गए? हाँ अभी आया। वो आ रहा भाई, अभी कभी थोड़ा आने का है तो बोलो ना भाई। थोड़ाऊ मत, आपको पता है ना लॉकडाउन की वजह से चल रहा नहीं धंधा। अरे भाई कुछ करो भाई, हाड़ बर्बाद हो जाऊंगा भाई। कुछ करता है मैं, आप बोला कॉल किया था ना, इसलिए मैं इधर आया आपका माल देखने के लिए। अरे भाई कुछ करो भाई, दवा 90,000 रुपये खर्चा क्यों भाई, पानी और दवाई सब डाला मैं इसको। आपको पता है ना भाई लॉकडाउन की वजह से कुछ मार इधर का उधर उधर का इधर नहीं जा रहा। मैं देखता आपको, मैं कुछ करके कॉल करता आपको। असद भाई हाँ। क्या यार परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बताओ ना। कुछ भी नहीं भाई, 90,000 रुपये खर्चा करके बीज डाल के अभी फसल आ गया, कोई लेने वाला नहीं है। क्यों? लॉकडाउन को जिससे कोई माल लेने वाला नहीं है भाई। किसान एक मुद्दा है, जिंदा है भी तो वो मुर्दा है। मालिक भी वही, मजदूर भी वही, खुश भी वही, मजबूर भी वही। सजा डालता है अमीरों के थाल, भले खुद वो भूखा हो। गुमनाम भी वही, मशहूर भी वही, जीवों को जीवित रखता है, खुद को कत्ल करता है, पर बेकसूर भी वही है। हमारे देश में औरत की इज्जत, सैनिक की जान और किसान की ज़िंदगी को छोड़ के सब कुछ महंगा है भाई। हम किसानों की किस्मत में है ना यही लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी करना है ऊपर वाला करेगा, ये सोचने से कुछ फायदा नहीं है। चलो चलो भाई चलो। और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? जी ठीक है। बेटा तुम अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? बापू आपके दादू क्या करते थे? वो तो किसान थे बेटे। और मेरे दादू? वो भी किसान थे। और आप? मैं भी किसान हूँ बेटा। और मैं क्यों बनूँ डॉक्टर? बापू आपके दादू भी किसान, मेरे दादू भी किसान, और आप भी किसान, मैं भी बनूंगा किसान। नहीं बेटा, आज दुनिया पढ़ाई करके कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज, कोई पुलिस। बेटा तू भी अच्छा पढ़ ले, तू भी डॉक्टर बन जा। बापू सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो किसान कौन बनेगा? अगर किसान ना रहा तो चावल सब्जी फल कहाँ से आएगा, और इंसान इसके बिना कैसे जी पाएगा? बेटा तो जो बोल रहा है वो सच है, मगर बेटा आज किसान ऐसे हालत है कि तुझे कैसे बताऊं। किसान तो रात दिन मेहनत करता है, मगर उसे उसकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। इसलिए बेटा तू अच्छे से पढ़ाई कर ले और बड़ा होके डॉक्टर बन जा। जी आप जैसे कहें बापू।
लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। जरा सोचो, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। जिसकी आंखों के आगे किसान पेड़ पे झूल गया, देख आईना तू भी बंदे, कल जो किया वो भूल गया। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ।